महातूफान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। तो वहीं जिस जगह पर यह देखा गया है उस जगह पर भी पूरी तरीके से डर का माहौल है। जी हां, आपको बता दें कि महातूफान के बाद भारत के एक ऐसे राज्य में आसमान में कुछ ऐसा देखा गया जिसको देखने के बाद वहां के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही महातूफान ने वहां पर दस्तक दी, उसके जैसा कि आप सभी लोग इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह कहीं और का नहीं बल्कि भारत का ही है, और भारत के एक ऐसे राज्य में इसे देखा गया है जिसका नाम सुनकर के आप लोग भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की निकल कर आ रही है कि महातूफान के बाद आसमान में देखा गया कुछ अजीबोगरीब प्रकार का दृश्य जो बेहद डरावना है और जिसको लेकर के वैज्ञानिकों ने रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। जी हाँ, तो आखिर क्या है ये पूरी खबर, भारत के किन राज्यों में देखा गया है इसे, साथ ही साथ इसको देखने के बाद वहाँ के लोगों में क्यों है डर का माहौल, और वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को लेकर के रेड अलर्ट क्यों जारी किया है, क्या हो सकते हैं इसके नुकसान, साथ ही साथ इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों को कर सकता है बेहद खतरनाक रूप से बीमार, जानेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से एक एक करके इसी वीडियो में। तो दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि जब आपके इलाके में महातूफान पहुँचे तो आपको हम उससे पहले ही बता दें, क्योंकि भारत सरकार हमेशा से यह बताता रहता है कि अब महातूफान किस जगह पहुंचने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके इलाके में महातूफान पहुंचने से पहले ही हम आपको वीडियो के माध्यम से बता दें, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करते ही हमें आपके लोकेशन का पता चल जाएगा और हम यह जान पाएंगे कि आप किस ज़िले से हमारा वीडियो देख पा रहे हैं। तो आपके ज़िले में जैसे ही महातूफान दस्तक देगा उससे पहले ही हम आपको बता देंगे, और उसके बाद भी आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आज ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यह जो महातूफान है यह बेहद ही ज़्यादा खतरनाक है। यह सूर्य की सतह से निकला हुआ तूफान है। आपको पता है कि सूर्य की सतह पर हमेशा आग के गोले तूफान के रूप में उठते रहते हैं, लेकिन यह सूर्य तक ही रहते हैं। लेकिन इस बार जो यह तूफान उठा है इसे सौर तूफान या महातूफान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह तूफान अब सूर्य तक सीमित नहीं है बल्कि 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह पृथ्वी पर पहुँच चुका है, और पृथ्वी पर इसने सबसे पहले चीन और नेपाल को अपना टारगेट बनाया। जैसे ही चीन और नेपाल में पहली बार इस महातूफान को देखा गया, तत्काल रूप से वहां पर पूरी तरीके से रेड अलर्ट लगा दिया गया था, क्योंकि इस महातूफान में ऐसे खतरनाक रेडिएशन हैं जो इंसान, जानवर और पंछियों के ऊपर पड़ते ही उन्हें कैंसर का रोगी बना देते हैं। यही नहीं, इस महातूफान में इतने खतरनाक स्तर की इतने ज़्यादा खतरनाक इसमें टेम्परेचर हैं कि उस टेम्परेचर में आने के बाद भी इंसानों को बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लमें देखी जा रही हैं। ऐसा चीन और नेपाल में बहुत लोग पेशेंट के रूप में आ चुके हैं। तो जैसे ही यह महातूफान भारत में प्रवेश करता है, भारत में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। आज भारत के लगभग 6 से 7 राज्यों को अपना शिकार बनाने के बाद यह महातूफान बढ़ चुका है मध्य प्रदेश की तरफ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में यह तूफान आज सुबह दस्तक दिया है और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में एक साथ इसने भयंकर तबाही मचाई। हालांकि मध्य प्रदेश के लोगों को पहले से पता था कि हमारे ज़िले में महातूफान आने वाला है, तो उन 7 से 8 जिलों में पहले से ही अलर्ट भी जारी किया गया था और उन्हें 2 दिन पहले हमारे वीडियो के माध्यम से पता भी चला था। इसलिए वो लोग घरों में थे और वहाँ पर किसी भी इंसान के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। लेकिन जैसे एक अलर्ट जारी किया है कि अब यह महातूफान MP से निकल करके उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर पहुँचने वाला है, और MP और राजस्थान के बॉर्डर पर पहुँचने के बाद यह राजस्थान की तरफ या उत्तर प्रदेश की तरफ,
बढ़ सकता है। जैसे ही यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर यह महातूफान पहुँचेगा, वैसे ही उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी और उसके बाद यह महातूफान चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे झारखंड की तरफ भी अगर बढ़ता है तो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि हमें पता चल सके। साथ ही साथ आप लोगों से एक और निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का भी नाम दे दें ताकि हमें पता चल सके पूरी तरीके से और हम आपके ज़िले में आने वाले इस महातूफान के बारे में पहले ही जानकारी दे दें। यही नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें, कॉपी करके व्हाट्सएप और फेसबुक पर भेजें ताकि उन्हें भी इस महातूफान के बारे में पहले से पता चल सके और वो भी अलर्ट रह सकें और वो भी अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकें। हालांकि इस महातूफान के बारे में WHO ने भी गाइडलाइन जारी किया है और उनका कहना है कि इस महातूफान के कारण भारत में आने वाले 2 से 3 सालों में कैंसर के रोगी बहुत ही ज़्यादा उभर कर आने वाले हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में जब जब अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।